करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। जी हाँ, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना रहा है और इस बीच केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार आज इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। बीते दिन ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद इसे पास कराया जा सकता है। जैसे ही ये अटकलें चली तभी देश में नई बहस शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैर संवैधानिक बताया गया है और जो विपक्ष के नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओबीसी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। नेशन वन इलेक्शन होगा ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से ऐसे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हाली इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। और वह बयान सामने आया है, सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, जो हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उसके संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा भंग कर सकते, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये एनडीए सरकार वो तो एक लाइन का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना कि विधानसभा भंग करो, भंग हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और लोकसभा के कराना चाहते हैं। तो पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का ईवीएम काट दीजिए, बंगाल में आप पहले काट दो, ऐसे तो ना हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे, देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। इस बिल के जरिए अगर ये बिल पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते रहे, लेकिन अभी अलग अलग होते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। अगर ये बिल पास होता है तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। पहले आम चुनाव आपको बता दें कि 1951-52 में एक साथ हुए थे, 1957-1962 और 67 में चुनाव एक साथ हुए। 1968 और 69 कुछ विधानसभा सभी से पहले भंग हुई थी, इसके बाद एक साथ चुनाव का क्रम भंग हो गया था और उसके बाद से ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हुए आए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है इस बिल के लिए। अगर ये बिल पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि जो विपक्ष के नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक साथ चुनाव के विरोध में विपक्षी दल, विधानसभा कार्यकाल में कटौती या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, एक साथ चुनाव थोपना लोकतंत्र के विरोध में है, ऐसा विपक्षी दल का भी कहना है। मतदाताओं की पसंद को सीमित करना उचित नहीं है, ये भी इसके पीछे एक तर्क माना जा रहा है। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, मतदाता के एक ही तरफ वोट देने की संभावना भी इस बिल के अगर पास होती है तो ये संभावना भी बनती है। और एक साथ चुनावों को लागू करना लगभग असंभव है, विपक्षी दल लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक साथ चुनाव हो लोकसभा और विधानसभा के, यही कोशिश है केंद्र सरकार की और विशेष सत्र बुलाया गया है। जैसे ही विशेष सत्र बुलाया गया उसके बाद आपको बताते चले कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बहुत चक्के रह गए कि आखिरकार क्यों विशेष सत्र बुलाया गया है, सभी को हैरान कर डाला। लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो किस तरीके से
आगे कदम बढ़ाया जाता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, मोदी सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, आपको क्या लग रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, विपक्षी दल हालांकि हम देख रहे हैं लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हमेशा कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो चौंकाने वाला होता है, और अब जो बात कही जा रही है, यदि ऐसा होता तो ये बात तो सच है कि मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन इसके यदि हम उसमें जाते हैं तो आप देखिए कि ये अभी तत्काल का मामला नहीं है, बीते 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार इस पर काम कर रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण को आप गौर से सुनेंगे तो या तो वो किसी भूमि पूजन करते आए तो यही कहा कि मैं आकर इसका उद्घाटन भी कर दूंगा या हमारी सरकार करेगी, तो मकसद आप देखिए। उसके अलावा जिस तरह से अमित शाह जी के दौरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, या केंद्रीय नेताओं का लगातार हर एक राज्य में, वो 5 राज्य जहां चुनाव होना है वहां दौरे देखने को मिल रहे हैं, तो इससे समझ आ रहा है कि केंद्र की सरकार ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर हम आगे बढ़ें, और इसके तरफ यदि एक कमेटी बना दी गई है, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनको इसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, और 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसकी वजह भी यही है, तो बहुत ज़्यादा संभावना केंद्र की तरफ से तो दिखाई दे रही है कि वो इस तरफ जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 1967 में जरूर चुनाव हुए, उसके बाद फिर बाकी अन्य वर्षों में भी देखने को मिले, लेकिन 1983 से ये कहा जाता रहा है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव होना चाहिए, पर वो टलता रहा। अब मोदी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत के नज़दीक है, तो ऐसे में शायद सरकार ये चाहती है कि ये बिल पास हो जाए, और इसमें यदि हम देखते हैं तो 5 राज्यों में अभी चुनाव होना है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 में होना है, तो ये चुनाव भी टलेंगे, और बाकी चीज़ें ये भी होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के कारण कुछ फायदे हैं, कुछ नफा है, कुछ नुकसान। फ़ायदा ये होगा कि जो खर्चे होते हैं, अलग अलग लोगों की ड्यूटियाँ लगती है, तमाम तरह के जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे, और नुकसान ये होगा कि जो छोटे दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि एक चेहरा होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा, वैसे भी चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही, तो हमें लगता है यही सब तैयारियां हैं, लेकिन ओबीसी जैसे तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि संविधान में ये संभव नहीं है, भारत में ये संभव नहीं है। अब क्या होता आने वाले दिनों में नजर आएगा, लेकिन आज भी मेरी कई सारे नेताओं से बात हुई है तो मुझे लगता संभावना इसकी बहुत ज्यादा होते हो अब दिखाई दे रही, और यदि ऐसा होता है तो अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, बीजेपी लंबे समय से एक देश एक चुनाव बिल लाना चाहती है, और इस ओर अब केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा भी दिए हैं, अगर ये बिल आता है तो ये भी देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से जो आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है क्या वो आगे बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।